if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Hello friends, welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो पड़ चुकी हैं, और इसलिए बच्चे मुझे काफ़ी टाइम से, बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं कि मामा नानी के घर जाना है. तो इसलिए मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ. और फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं ठंडा पानी पिए बिना कोई रह ही नहीं सकता. तो मैंने ठंडा पानी पी लिया था और मुझे ठंडा, ज़्यादा ठंडा जो है बिल्कुल सूट नहीं करता, और मेरा गला जो है वो ख़राब हो जाता है. तो फ्रेंड्स, अभी मैं बच्चों की पैकिंग कर रही हूँ. जो जो कपड़े मुझे लेके जाने हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके एक साइड में रख लूँगी, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी. और जितने कि बच्चे एक्साइटेड हैं नानी के घर पर जाने के लिए, मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं वो भी छुट्टियों के टाइम पे ही मायके में आती हैं. वैसे हम पांच बहनें हैं, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम पांचों बहनें एक साथ होते हैं. और क्योंकि काफ़ी दूर दूर मेरी बहनें रहती हैं, तो मिलना नहीं हो पाता उनसे. इसलिए मायके में जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी हमारा मिलना हो पाता है, या फिर इसी छुट्टियों के टाइम पर ही हम मिल पाते हैं. तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ बहनों से मिलने के लिए. और फ्रेंड्स, मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मैं अपने जो सारे काम हैं वो निपटा के जाती हूँ. जैसे कपड़े भी धोने के लिए रखे होते हैं तो वो भी धो लेती हूँ, और सफाई वगैरह, और जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो भी मैं प्रेस व्रेस करके अच्छे से अलमारी में रख के जाती हूँ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो रही हूँ, और बच्चों को जो है मैंने पहले ही तैयार कर दिया था जल्दी. और क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो 3 बजे तक हमें निकलना है और शाम को हम पहुंचेंगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे हमें जाने में मायके में लगेंगे. कार से जाने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो इसलिए जो बाकी का टाइम बचा है मैं उसमें भी कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख लूँगी. तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम घर से निकले हैं. और तो हम, मुझे लगता है कि शायद हमें 5-5:30 बजे घर पहुंचूंगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे मुझे लगने वाले हैं. फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 5:30 बजे मैं मायके में पहुंच गई थी. थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद चाय वगैरह बनाई भाभी ने, और समोसे मंगाए. तो चाय समोसे हमने खाए, और उसके बाद हमने थोड़ी बातें बातें करी, और मैं अपनी बहनों से भी मिली, अपने परिवार से मिली. और अभी हमने डिसाइड किया कि हम सब नीचे जाएंगे पार्क में, और थोड़ा वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे. तो फ्रेंड्स, पीछे आ रहे हैं मेरे पापा जी और मेरी बड़ी बहन. तो हम जा रहे हैं पार्क में, और बच्चे तो जैसे ही घर में घुसे हैं सीधा पार्क में ही भाग गए खेलने के लिए. और हम भी पार्क में ही जा रहे हैं, थोड़ा बैठेंगे, बातें बातें करेंगे. और ये है मेरी मम्मी, और ये इतना पार्क, ये नीचे इतना उतरती नहीं है, पार्क वगैरह में नहीं आती हैं, तो क्योंकि इनके जोड़ों में दर्द रहता है अक्सर, और इसलिए ये नीचे इतना नहीं उतरती. तो फिर इसलिए आज हम सब आए हैं, तो हम इनको नीचे लेके आए हैं, सब इकट्ठे आए हैं. और पार्क के बिल्कुल साथ में ही बना है स्विमिंग पूल,
एक है बड़ों का स्विमिंग पूल और दूसरी तरफ बना है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्विमिंग पूल अलग से बनाया गया है। और ये है पार्क, यहाँ बच्चों के थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल की तरफ क्योंकि बच्चे नहाने की ज़िद कर रहे थे।